पिछले 5-6 साल का हम आज भी खमियाजा भुगत रहे हैं। चलिए छोड़िए हमारी रियासत का दर्जा नहीं है, छोड़िए हमारे पास अपना झंडा नहीं है, छोड़िए हमारे पास आईन नहीं है, छोड़िए हमारे पास अपनी जमीन पे हक नहीं है। रोजमर्रा की परेशानियों का कब गिनना शुरू करिए ना। कौन सा ऐसा बेरोजगार नौजवान है जिसको पिछले 5 साल में रोजगार का ऑर्डर मिला हो? कहीं पे भी इन इलाकों में पुलिस की बढ़ती हुई? कहीं पे भी कोई नौजवान ऐसा है जिसको पिछले 5 साल में मुलाजमत का ऑर्डर मिला हो? आज नौजवान हमारे बेरोजगार परेशान। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह अगर 8 अक्टूबर को अल्लाह ने चाहा और आपके वोट हमें हासिल हुए और हमारी हुकूमत बनी, हम पहले दिनों के अंदर 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां यहाँ के नौजवानों को देना शुरू करेंगे। यहाँ कौन सा ऐसा घर है जो बिजली को लेके परेशान नहीं है? बिजली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट और बिजली का बिल आपको वक्त में मिलता है। बिजली की फीस जब जावेद साहब आपके एमएलए थे 200, 250, 300 रुपए महीने से ज्यादा नहीं, आज बिजली का बिल 1800, 1900, 2000 रुपए से कम आपकी बिजली की बिल आती नहीं है। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। यहाँ इलेक्शनों में हमारे मुखालिफ गैस के चूल्हे बांटते हैं। अरे गैस का चूल्हा बांटना बहुत सस्ता है ना। गैस का सिलेंडर देखो क्या हाल है। आज 1700-1800 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता है। यहाँ लोगों को चूल्हा मिलता है लेकिन उस चूल्हे को जलाने के काबिल नहीं होते वो। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम 12 सिलेंडर मुफ्त गैस बांटेंगे उन घरों में जहां ये चूल्हे नहीं जलते। राशन की बात करें, जब जावेद डार साहब आपके एमएलए और मिनिस्टर थे, राशन कार्ड के जरिए आपको चीनी मिलती थी, राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, राशन का स्केल होता था इतना कि उस राशन पे आपका गुजारा होता था। आज राशन डिपो से ना आपको चीनी मिलती है ना मिट्टी का तेल मिलता है, और स्केल आज राशन डिपो से आपको 2.5-3 किलो उसके अलावा मिलता नहीं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी 8 अक्टूबर के बाद, जब आपकी दुआओं के नतीजे यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी, हम जम्मू कश्मीर में दोबारा एक तरक्की का दौर, एक अमन का दौर, एक भाईचारे का दौर, एक वो दौर जिसमें नौजवानों के साथ पकड़ दकड़ ना हो, एक वो दौर जिसमें नौजवानों के खिलाफ FIR ना लगे, एक वो दौर जिसमें PSA का कानून जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, एक वो दौर जब हम बाहर जेलों में जो सड़ रहे नौजवान उनको वापस आके यहाँ छोड़ने का काम शुरू करेंगे। इंशाल्लाह वो दौर आएगा और 8 अक्टूबर के बाद आएगा। लेकिन आज सिर्फ आपसे एक मौजवाना गुजारिश करके आपसे इजाजत लूंगा कि 1 अक्टूबर को यहाँ वोट डालने का दिन है, मेहरबानी करके सुबह सवेरे पोलिंग बूथ में जाएं, बिस्मिल्लाह करें, हल्का बटन ढूंढिए और जावेद साहब को और मुझे आप अपनी नुमाइंदगी और अपनी खिदमत करने का मौका दे दीजिए। यही मेरी गुजारिश है, यही गुजारिश करने में यहाँ आया हूँ। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।